Good morning, students. So today we will start our new chapter, chapter 11, lions and animals. इस चैप्टर के अंदर आप लाइंस किस टाइप्स की होती है एंड एंगल्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे. सो एक्सरसाइज 11.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. और फर्स्ट है 26 डिग्री. अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. सो टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री अगर हो जाए यानी उन दोनों एंगल्स को अगर हम एड करें और उनका सम 90 डिग्री हो जाए तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इसी तरह से टू एंगल्स जिनको अगर हम एड करें और उनका सम 180 डिग्री हो जाए तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है. तो जो फर्स्ट है 26 डिग्री तो आंसर स्टार्ट करेंगे 26 डिग्री एंगल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा. तो आप कैसे पता करेंगे क्योंकि इनका सम 90 डिग्री होता है तो आप 90 में से 26 को माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा. 90 में से 26 माइनस करते हैं तो 64 आंसर आता है ना. तो 26 डिग्री में 64 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. अगर आप चेक करना चाहें तो आप अगेन 26 में 64 को ऐड कर सकते हैं. इन दोनों का सम 90 ही आएगा तो मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है. इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम 180 डिग्री होता है तो आप 180 डिग्री में से 26 डिग्री को माइनस करेंगे और जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 154 डिग्री का आंसर आएगा. ओके सो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं जहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के लिए आप 90 और 180 में से उन एंगल्स को माइनस करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 2 यहां आंसर है इसका. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये फिगर आपको गिवन है और इस फिगर में पी क्यू और आर एस टू लाइन से जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, ये पी क्यू और आर एस लाइन पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है. और क्वेश्चन में ये गिवन है कि यहाँ 4 एंगल्स बन रहे हैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4. तो उनमें एंगल 1 जो है उसका मेजरमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 53 डिग्री और बाकी जो अदर एंगल्स हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है. सो कैसे करेंगे हम, आप जानते हैं कि जो एंगल 1 है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल 3 है. तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना, आमने सामने के एंगल्स. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में इनका जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है. सो एंगल 1 अगर 53 डिग्री है तो देन एंगल 3 जो है वो भी क्या होगा 53 डिग्री ही होगा. और इसका रीजन क्या है, बिकॉज ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है. ओके देन अब आपको एंगल 3 का मेजरमेंट भी मिल गया, अभी 2 और 4 का फाइंड आउट करना है. सो हम ये जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल्स जो हैं एडजेसेंट है. एडजेसेंट मींस क्या होता है कि दोनों जो हैं उनके बीच में एक कॉमन साइड है. सबसे पहले तो ये आर एस लाइन पर बन रहे हैं दोनों और इनके बीच में जो कॉमन साइड है वो है ये ओ पी. और एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या है, जब इनको ऐड करेंगे तो इनका सम 180 डिग्री होगा बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है. तो ये क्या होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा और ये हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. जब कोई टू एंगल्स इस तरह से स्ट्रेट लाइन पर होते हैं और उनका सम 180 है तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं. उसका रीजन क्या हो गया, अभी हम एंगल 1 की वैल्यू क्या है 53 डिग्री और एंगल 2 आपको फाइंड आउट करना है इक्वल्स 180 डिग्री. इस तरह से हम उसको अरेंज करेंगे तो नाउ एंगल 2 की वैल्यू क्या आएगी, आप 180 में से एंगल 1 को माइनस कर दें है ना, ये उधर से आएगा तो इसमें माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 127 डिग्री का आंसर आएगा माइनस करेंगे तो. देन अब अगर एंगल 2 127 डिग्री आ रहा है तो देन उसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 4 है. एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. वर्टिकली अपोजिट है इसीलिए एंगल 2 अगर 127 है तो फिर एंगल 4 का मेजरमेंट भी 127 डिग्री होगा. तो इस तरह से हमने एंगल 3 एंगल 2 और एंगल 4 के मेजरमेंट फाइंड आउट कर लिए. ओके और उनके रीजंस जो है वो किस टाइप के एंगल से वो हमने यहाँ राइट डाउन कर लिए. वर्टिकली अपोजिट मीन्स आमने सामने के और लीनियर पेयर जो किसी वन लाइन पर बनते. तो हमें 1 का मेजरमेंट गिवन था, 2 को फाइंड आउट करना था तो इसके बेसिस पर हमने इसको सॉल्व किया. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम इसको फर्स्ट और थर्ड अभी यहाँ कर रहे हैं.
फर्स्ट में देखिए इस तरह से टू एंगल से सप्लीमेंट भी है ये लीनियर पेयर को बन रहे हैं, यहाँ x है और यहाँ 80 डिग्री है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हैं कि x और 80 डिग्री इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो इनका सम क्या आएगा 180 डिग्री है ना, बिकॉज इनका सम क्या इनकी टोटल क्या आएगी, ये स्ट्रेट लाइन पर है तो इनकी टोटल 180 डिग्री की आएगी, लीनियर पेयर है इसलिए। तो नाउ x की वैल्यू क्या आएगी, आप 180 में से इस 80 को माइनस कर दो तो x की वैल्यू 100 डिग्री आ जाएगी। ओके देन थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है, फोर एंगल्स हैं, तो आप क्या करेंगे इन चारों को ऐड करेंगे, 2x plus 3x plus 2x और plus 3x, इन चारों का सम क्या आएगा 180 डिग्री आएगा बिकॉज ये स्ट्रेट एंगल है। अब आप इनको ऐड करेंगे, 2 plus 3 5 plus 2 7 plus 3 10, 10x की वैल्यू 180 डिग्री आ रही है, तो देन 10x इतना में तो x की वैल्यू क्या जाएगी 180 को आप 10 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 18 डिग्री आ रही है। ओके ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 मैम ईच लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड ईच पेयर ऑफ वर्टिकल के अपोजिट एंगल। अब आपको इस क्वेश्चन में ये जो डायग्राम गिवन है इसको सी करके आपको लीनियर पेयर के एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स बनाने हैं। सो लीनियर पेयर के एंगल्स क्या होंगे, यहाँ मैंने टेबल्स कॉलम बनाने के लिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ है। अब बात करते हैं पहले लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर मीन्स जो एंगल किसी वन लाइन पर बन रहे हैं ना, यहाँ जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें तो ए बी सी डी फोर एंगल्स है यहाँ, अब उनमें से ए और बी ये दोनों क्या है इस लाइन पर है ना स्ट्रेट लाइन पर, तो जो स्ट्रेट लाइन पर होते हैं जिन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं। तो यहाँ ए और बी ये दोनों क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर, तो फर्स्ट पेयर हमने बनाया ए और बी, देन सेकंड पेयर ए के साथ नहीं बनाया ए और सी, जिस तरह से ए बी वन लाइन पर है उसी तरह से ए और सी भी एक ही लाइन पर, तो इसका पेयर क्या हो जाएगा ए सी। देन अब ए बी और ए सी हो चुके हैं, देन अभी बी और डी जो है वो भी इसी तरह से स्ट्रेट लाइन पर है, तो एक पेयर हो जाएगा बी डी एंड सेकेंड हो जाएगा सी डी। ओके तो इसके फोर पेयर्स ए बी ए सी बी डी और सी डी ये हो गए लीनियर पेयर्स। इसी तरह से ई एफ देन ई आई ये भी एक लाइन पर है स्ट्रेट लाइन। ओके इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री होता है। देन फिर है एफ जे और आई जे और देन इस तरह से जी एच एंड जी के। ओके देन एच एच एल यहाँ और देन के एल यहाँ, तो ये लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर मीन्स जो किसी एक लाइन पर टू एंगल्स फॉर्म होते हैं और उनका सम क्या हो फिर 180 डिग्री होता हो, तो जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल होते हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। तो यहाँ लीनियर पेयर कितने पेयर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 पेयर्स होते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स लीनियर पेयर में आए हैं जो पेयर्स वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर्स में नहीं आएंगे, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट क्या होता है जो आमने सामने के एंगल होते हैं। अब ए से यहाँ बात करें तो ए के अपोजिट में कौन सा है डी है ना, बी और सी तो उसके साथ में लीनियर पेयर में बन गए, देन डी ही रिमेनिंग बचा, तो ए और डी क्या है आमने सामने के हैं इसलिए वर्टिकली अपोजिट पेयर का फर्स्ट पेयर हो गया, देन बी और सी सेकेंड, देन यहाँ ई और जे वर्टिकली अपोजिट है, देन आई और एफ मीन्स एफ आई, देन जी और एल एंड देन एच और के, इस तरह से ये वर्टिकली अपोजिट के सिक्स पेयर हो गए। ओके देन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दोनों जो एंगल्स हैं इस तरह से वो क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो आप जानते हैं कि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो नाउ 3x plus 8 plus 2x minus 33 डिग्री। ओके सो नाउ 3x plus 8 plus 2x minus 33 equals to 180 डिग्री हो जाएगा। सो नाउ 3x और 2x ब्रैकेट्स हमने ओपन कर दिए, अब 3x और 2x 5x plus 8 डिग्री और माइनस 33 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो नाउ 5x अब ये प्लस 8 और माइनस 33 तो ये माइनस हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस 33 में से 8 माइनस करेंगे 25 आता है और माइनस का साइन आएगा बिकॉज वैल्यू वो ग्रेटर है।
सो नाउ 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो 5x की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री में से ये माइनस का 25 इधर जाके प्लस हो जाएगा. तो इनको ऐड करेंगे आंसर 205 डिग्री आ रहा है. तो 5x की वैल्यू 205 है, देन x की वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे और 41 डिग्री इसका आंसर आएगा. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड. और यहाँ क्या हो रहा है, 110 डिग्री, 51 डिग्री, 69 डिग्री एंड एक्स, ये फोर एंगल्स है और ये कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहे हैं. तो कंप्लीट एंगल जब फॉर्म होता है तो उनका सम क्या होता है, कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है. यानी इन चारों एंगल्स को अगर ऐड करेंगे 110 डिग्री प्लस 51 प्लस 69 और प्लस एक्स, तो उनका सम 360 डिग्री होगा. अब इनको हमने ऐड किया तो ये 230 आ रहा है. 230 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स 360 डिग्री. तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री में से 230 को माइनस करेंगे और एक्स की वैल्यू 130 डिग्री आ गई. ओके देन क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑल पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स. यहाँ आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एडजेसेंट पेयर्स एंगल्स के और लीनियर पेयर्स एंगल्स के राइट डाउन करना है. तो कैसे करेंगे हम, एडजेसेंट पेयर्स क्या होते हैं सबसे पहले. तो एडजेसेंट मीन्स जिनके बीच में जो टू एंगल्स होते हैं उनके बीच में कोई कॉमन साइड होती है तो वो एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं. लाइक यहाँ इस एंगल का नेम है एक्स ओ पी, या फिर इसको पी ओ एक्स कैसे रीड कर सकते हैं. तो एंगल पी ओ एक्स, पी ओ एक्स यानी ये, इसके लिए एडजेसेंट एंगल कौन सा हो, दिस इज पी ओ क्यू. ओके फर्स्ट पेयर हमने ये बना दिया. देन अभी ये दोनों एंगल्स भी एडजेसेंट है इस तरह से. तो सेकेंड पेयर एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल क्यू ओ वाई हो जाएगा. ठीक है अभी अब हम बात करेंगे एंगल पी ओ एक्स, यानी ये वाला एंगल, दिस इज एक्यूट एंगल एंड दिस इज ये पूरा कंप्लीट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ये साइड का पी ओ एक्स और पी ओ वाई, यानी ये दोनों एंगल्स आपने कंबाइंड कर लिए. तो ये दोनों एंगल्स क्या, ये क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म करेंगे. तो पी ओ एक्स एंड पी ओ वाई, देन इसी तरह से क्यू ओ एक्स एंड देन क्यू ओ क्यू ओ एक्स सॉरी क्यू ओ एक्स एंड देन क्यू ओ वाई, यानी दिस इज एंड दिस, ये होगा एडजेसेंट एंगल्स. इसी तरह से लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, तो ये जो दोनों राइट किए हैं लास्ट में वो दोनों ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी है, बिकॉज इन दोनों एंगल्स का सम यानी कि पी ओ एक्स इसका और पी ओ वाई इनका, इसका सम क्या है 180 डिग्री होगा, ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं और इनका सम 180 डिग्री होगा. देन इस तरह से क्यू ओ एक्स, क्यू ओ एक्स ये ऑब्ट्यूज एंगल दिस इज एंड क्यू ओ वाई इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा. तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है. देन क्वेश्चन नंबर 8, ये डायग्राम गिवन है आपको. और फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू 73 डिग्री देन फाइंड द x. अगर y की वैल्यू 73 है तो x की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना. सो 2y - 16, यहां हमने वैल्यू पुट करी 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 73 है. देन अब 73 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 146 और उसमें से 16 माइनस किया तो 130 डिग्री आ रहा है. नाउ अब ये चीज जो सॉल्व हुई 2y - 16 इसका आंसर क्या आ रहा है 130 डिग्री, यानी यहाँ का मेजरमेंट अगर 130 है तो फिर यहाँ क्या मेजरमेंट होगा. तो हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है तो 5x + 130 इनका सम 180 होगा. तो फिर 5x की वैल्यू क्या आएगी, इसके नेक्स्ट स्टेप यहाँ है 5x = 180 में से 130 को माइनस कर देंगे तो 5x की वैल्यू 50 आएगी. तो देन x की वैल्यू क्या आएगी, तो 50 में 5 का डिवाइड करके x की वैल्यू